हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सी आप पाँच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल झनक की, तो एपिसोड की शुरुआत में जो रुद्र है वो अपनी वाइफ पल्लवी के साथ में आर्ग्यूमेंट करेगा। पल्लवी गलती से झनक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी। रुद्र झनक से माफ़ी मांगेगा उसके बिहाफ पर। वो कहेगा कि मेरा घर मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। झनक कहती है, रुद्र सर आप मेरे गुरु हैं, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इस बैटल को एंड तक नहीं छोड़ेंगे और ना ही मेरा साथ छोड़ेंगे, और आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। भले ही आपकी गलती है या नहीं है तो भी आप माफ़ी मत मांगिए। इधर सेम डे सृष्टि और विनायक आते हैं बोस हाउस और डिस्कस करते हैं अर्शी और अनिरुद्ध के शादी की बात। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें सारे रिचुअल्स सिर्फ एक ही दिन में कंप्लीट करने होंगे। इधर शुभा इन्फॉर्म करती है कि हमें जो वेडेड कपल हैं उन्हें एक दूसरे के साथ यहाँ पर रूम में नहीं रहने देना है शादी के दिन तक, क्योंकि ऐसे होना अपशगुन होता है। इधर सृष्टि अनाउंस करती है कि अर्शी ने यहाँ पर इन्विटेशन जो है रियलिटी डांस शो से वो एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो उसके लिए जाएगी। सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं अनिरुद्ध के एफर्ट और वो कहते हैं कि अर्शी सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से ही आज अपने पैरों पर दोबारा खड़ी होने में कामयाब हो पाई है। इधर रुद्रा जो है वो झनक से कहता है कि तुम रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी ही पहली परफॉर्मेंस है डांस कंपटीशन में। वो कहती है कि तुम्हें एक अच्छे से ब्रेकफास्ट भी करना है जमकर पेट भर कर, क्योंकि आज तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। पल्लवी यहाँ पर स्पॉइल करने वाली है उसका पूरा दिन, ऐसा वो प्लानिंग करती है। वो कहती है कि तुम सबसे पहले तो घर के काम करो, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे काम लाइंड अप हैं वो कंप्लीट करने हैं। वो झनक पर जान का प्रेशर बनाती है मेंटली भी और फिजिकली भी। पल्लवी यहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्स ले आती है और कहती है कि तुम्हें इनका पेस्ट बनाना है खुद मैन्युअली। थोड़े टाइम के बाद रुद्र झनक से कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, लेकिन वह अभी भी किचन में अटकी हुई है और पल्लवी उसे प्रेशराइज करती है कि तुम्हें काम कंप्लीट करना है बाहर जाने से पहले। तभी गुरुजी आते हैं किचन में, ऑर्डर करते हैं कि झनक जल्दी से रेडी हो। पल्लवी यहाँ पर नहीं चाहती कि वो काम करे बिना किचन से जाए, लेकिन इस बार झनक स्टैंड लेती है अपने आप के लिए और रुद्र के लिए भी। अर्शी यहाँ पर बिल्कुल भी होप खो चुकी है, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा डांस कर पाएगी। तभी सृष्टि यहाँ पर उसे एंकरेज करती है और कहती है कि हाँ बेटा तुम्हें दोबारा डांस करना होगा और मैं जानती हूँ कि तुम दोबारा डांस कर सकती हो। लेकिन अर्शी यहाँ पर जान कर के बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है और अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। वो कहती है कि मेरे पास अब कोई नई एनर्जी नहीं है एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। सृष्टि उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी यहाँ पर एक अच्छी पहचान हासिल करने में कामयाब हो पाए। वो कहती है कि इनविटेशन जो है वो यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो। वो कहती है कि आई विश कि अर्शी तुम इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो और मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर जीतोगी। अचानक से अप्पू यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाला होता ही है कि सारा जो किया धरा है वो सृष्टि का ही है, लेकिन वो रुक जाता है। जो विपाशा है वो सिचुएशन को हैंडल करती है और अप्पू को ब्लेम करती है उनकी खुशियां रुइन करने के लिए। वो सजेस्ट करती है कि तुम अप्पू मुझे लगता है कि इसे स्पेशल रूम भेज देना चाहिए। अनिरुद्ध रिब्यूक है अप्पू को, वो कहता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, आप देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर क्या होता है अर्शी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जाती है नहीं, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।